लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे नवरात्रि, शरदीय नवरात्रि 2024 जो 3 अक्टूबर 2024 से शुरू हो रही है। नवरात्रि के व्रत में ट्राई करें 5 ऑयल फ्री स्नैक्स, सेहत के लिए भी है ये फायदेमंद। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन की घंटी बजा दें जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। शरदीय नवरात्र 3 अक्टूबर से शुरू होने वाले हैं। लोगों द्वारा इन नवरात्रों में व्रत रखने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। नवरात्र में लोग पौष्टिक चीजों को सेवन करते हैं। मेरा ऐसा मानना है नवरात्रि में व्रत रखना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। इससे बॉडी के टॉक्सिन को आसानी से दूर करने में और बॉडी डिटॉक्स होती है। व्रत के दौरान आप डाइट में हेल्दी स्नैक्स का शामिल कर सकते हैं। ये हेल्दी स्नैक्स आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करने से भी मदद करते हैं, साथ ही आपकी एनर्जी को भी बूस्ट करने में मदद करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि इस दौरान लोगों को स्नैक्स चुनते समय बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। तो नवरात्रि के व्रत में खाएं 5 ऑयल फ्री स्नैक्स। तो पहला है फल और दही चाट। व्रत में फल खाना फायदेमंद होता है। नवरात्रि को पास में आप सेब, केला, अनार, पपीता जैसे फलों को दही के साथ मिलाकर एक हेल्दी और स्वादिष्ट चाट बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक और जीरा पाउडर डालें। दही में प्रोबायोटिक्स होता है जो पाचन को सही रखता है और फल शरीर को जरूरी विटामिन और मिनरल्स प्रदान करते हैं। भुने हुए मखाने। मखाने एक बेहतरीन ऑयल फ्री स्नैक्स के रूप में मदद करता है। इन्हें आप सूखा भूनकर खा सकते हैं। इसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर को सेहतमंद बनाए रखने में मदद करते हैं। भुने हुए स्नैक्स को आप काली मिर्च या सेंधा नमक डालकर स्वादिष्ट बना सकते हैं। राजग्रह चिवड़ा। राजग्रह जिसे अमरंथ भी कहा जाता है एक पौष्टिक अनाज है। इसे भूनकर आप चिवड़ा बना सकते हैं। इसमें सूखे मेवे, मूंगफली और सेंधा नमक मिलाकर एक क्रिस्पी और स्नैक्स, हेल्दी स्नैक्स तैयार कर सकते हैं। ये स्नैक्स प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है जो आपको उपवास के दौरान एनर्जेटिक बनाता है। शकरकंद की चाट। शकरकंद में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो शरीर को एनर्जी प्रदान करते हैं। इसे उबालकर छोटे टुकड़ों में काट लें और उसमें नींबू का रस, सेंधा नमक और काली मिर्च मिलाकर स्वादिष्ट चाट बना लें। ये ऑयल फ्री स्नैक्स आपके उपवास को हेल्दी और ताजगी से भर देगा। साबूदाना खिचड़ी। नवरात्रि व्रत को या कोई और सभी में साबूदाना के खिचड़ी का सेवन किया जाता है। इसे बनाना बेहद आसान है, साथ ही आप इसमें मूंगफली, आलू और कुछ ड्राई फ्रूट मिला सकते हैं। इस खिचड़ी को आप तेल की जगह देसी घी से बना सकते हैं। इसे आप स्नैक्स आइटम में भी खा सकते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में मौजूद होता है जो एनर्जी को बनाए रखने में मदद करता है। नवरात्रि के दौरान उपवास में इन ऑयल फ्री स्नैक्स को अपनाकर आप अपने शरीर को हेल्दी और ऊर्जावान बनाए रख सकते हैं। ये सभी स्नैक्स न केवल स्वादिष्ट हैं बल्कि आपके उपवास को पौष्टिक और संतुलित बनाने में मदद करेंगे। अगर आपको कोई सेहत से जुड़ी कोई समस्या है तो बिना डॉक्टर के पूछे इन सभी चीज़ों में जो आपको ना पसंद हो उसका सेवन ना करें या जिससे नुकसान हो उसका सेवन ना करें। डॉक्टर आपको जो पूछ बोले उसका ही आपको सेवन करना चाहिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।